Everything said in this video does not mean to hurt anyone. Hurt तो तुझे होगा भी और वो भी जिंदा हर्ट होगा क्योंकि तेरे दादा परदादा अब्बू और अब्बू के अब्बू और उसके भी अब्बू सारे तेरे को रोस्ट करने वाले हैं। ये जानते हुए भी तूने ले लिया ना उड़ता तीर अपनी बुंड में। यार देखो वैसे मैं ना गाली नहीं देता लेकिन ये बंदा ऐसा है कि अगर इसे मैं गाली नहीं दूंगा ना मेरे को अधूरापन सा लगेगा। मतलब भाई मैंने गाली क्यों नहीं दी। तो गाइस आज के इस वीडियो में अपन लोग गाली देंगे और भर भर के गालियां नहीं देंगे, कहीं कहीं पे देंगे। प्यारे बच्चों जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। ये तो झाटू है। रहने दो यार, ये बाप वाली लाइन तुम पे सूट नहीं करती क्योंकि तुम सभी रोस्टरों के बेटे हो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये डिस्ट्रैक्ट बता रहे कितनी तेरे पे नॉलेज है और कितना पढ़ा लिखा तू है। ये गाना सुनने के बाद ना मेरे मन में ना टोनी कक्कर के लिए इज्जत ना और बढ़ गई है क्योंकि मेरे को नहीं पता था यार तुम जैसे झाटू भी यूट्यूब पर रहते हैं और हगते हैं। अब आने वाले कुछ दिन ना तेरे लिए बहुत ज्यादा खास होने वाले हैं, तेरे को पता है किस लिए। और मेरी लीड और मेरे कानों को ना ह्यूज रिस्पेक्ट है इस गांडू के गाने को सुन लिया इन्होंने। जो नहीं समझा ना जाके पोगो देखो तुम लोग। हाँ कांग्रेचुलेशन ब्रो, हमें नए आमिर सिद्दीकी मिल चुके हैं और ये डिस्ट्रैक्ट तूने अपने लिए बनाया है। यार मैं तेरे बारे में सोच रहा हूँ, तेरा क्या होगा अब, इतने रोस्ट आएंगे तेरे की तू जिस छत पे खड़े होकर डिस्ट्रैक्ट बना रहे वहीं से कूद जाएगा। खत्म भाई, ये डिस नहीं है, ये सुसाइडल नोट है जो कि डी अब्दुल ने भेजा सभी रोस्टरों को कि आओ मेरी मारो। भाई सब मारेंगे, धीरे धीरे सब मारेंगे, चिंता मत करो। बहुत हो गया, अभी तो कुछ नहीं हुआ है मेरे झाटू, अभी तो बहुत कुछ होगा और वो तुझसे सहा नहीं जाएगा। ये उनके लिए जिनको उड़ता तीर लेने का शौक है और वो झाटू ना तू ही है। उड़ता ये तीर ले लो, उड़ता ये तीर रखे झुंड में ले लो मेरा, उड़ता ये तीर। अब्दुल पहले तू ये कंफर्म कर लेगी ये डिस्ट्रैक्ट तूने सच में ठगे इसके लिए बनाया खुद के लिए बनाया, क्योंकि सारी ए टू जेड सारी की सारी बातें ना तेरे पे ही मैच कर रही हैं। साले छत पे वीडियो बना रहा है, बुंड में तेरी उड़ता तीर नहीं चील की चोच घुसेगी और कौवा तो तू वैसे ही बन रखा है। कोई लॉजिक है इस बात में, पर इस भरोसे वाले को बहुत लगता है। यार ठीक है सुअर की नाक में डंडा घुसेगा, लेकिन यार इधर तो सुअर समझ रहे हो ना इसे हमें बता रहे भाई, तुम्हारे अब तुम्हें भी बताएंगे कितने गंदे हैं वो लोग यूट्यूब पर। रुको जरा सबर करो, नहीं भरोसे वाले पहले तो ये बताइए मैटर तेरा है कि अदनान का है। तेरा नहीं है ना, फिर भी तू यहाँ पे घुस रहा है आके अपनी बुंड ला रहा है और तू गाने में क्या कह रहा है। दूसरों के मैटर में बीच में ये पड़ता, मतलब अदनान और तूने ना अच्छे से प्लानिंग कर ली है कि अच्छे से ठुकवा के आएंगे, इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वैसे तू छत पे शूटिंग कर रहा है ना, स्टेयर या लिफ्ट से तो आया नहीं होगा, इसी तरीके से आया होगा।